भाग्यशालियों लोगों के हाथ में होती है हृदय रेखा, ऐसे लोग कमाते हैं खूब नाम और पैसा। हस्तरेखा विज्ञान में हृदय रेखा का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हृदय रेखा से व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव के बारे में पता चलता है, साथ ही यह आयु आपके भाग्य फल को भी दर्शाता है। हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है कि हस्तरेखा खास बनावट को देख कर यह आसानी से जाना जा सकता है कि व्यक्ति बेहद भाग्यशाली हो सकता है। हाथ की छोटी उंगली से जो रेखा स्टार्ट होती है और हथेली में नीचे की ओर जाती है तो उसे हृदय रेखा कहते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली में मौजूद रेखाओं और चिन्ह को पढ़कर भविष्य को जान सकते हैं, साथ ही उसके चरित्र या भविष्य की जीवन का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। हथेली में मौजूद सभी प्रमुख रेखाओं में से एक है हृदय रेखा। यह सबसे छोटी उंगली के नीचे से निकलकर किसी भी क्षेत्र में जा सकती है और किसी भी रेखा से इसका संबंध हो सकता है। इस रेखा की समापन गुरु पर्वत अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली के नीचे से होता है। अगर यह रेखा का संबंध सही रेखाओं से होता है तो व्यक्ति काफी भाग्यशाली माना जाता है, खूब कमाते हैं नाम और पैसा। यदि व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा क्लियर हो, बिना कटे पटे आगे बढ़े तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे लोग में आत्मविश्वास होता है, साथ ही ये जीवन में खूब सफलता पाते हैं, साथ ही ये लोग जीवन में खूब नाम और शोहरत कमाते हैं। हथेली में हृदय रेखा के सिरे पे गुरु पर्वत के पास त्रिशूल का चिन्ह बना हो तो ऐसे व्यक्ति काफी गुणवान होते हैं और उस पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। वह मेहनत के दम पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और कभी भी किसी परेशानी से डरते नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा बिना दोष के आगे बढ़ती रहती है तो वह काफी शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास काफी होता है और अपनी सूझबूझ में कामयाबी के रास्ते पर चलते रहते हैं। इनको परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है और भविष्य हमेशा अच्छा होता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा बिना दोष के सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति काफी ईमानदार होता है और धन के कई रास्ते खोज लेता है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी की मदद के अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब होते हैं, लेकिन काम को पूरी स्पष्टता से करते हैं। हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से निकलकर सीधा गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति काफी अनुशासन का पालन करते हैं और अपनी सोच को लेकर हमेशा स्पष्ट रहते हैं। इन लोगों को काम में अनुशासन रहना पसंद आता है। इनके अंदर चीजों को जानने की इच्छा काफी तीव्र रहती है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में आकर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति केवल अपने मन की सुनते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को दूसरे क्या कहते हैं इस पर कम ध्यान देते हैं और लक्ष्य की ओर रहते हैं। मस्तिष्क रेखा में मिलने पर इन लोगों के काफी दोस्त होते हैं जो हमेशा इनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।